देखते रहिए UBN08 गुना से बड़ी खबर आ रही है। विशेष रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शनिवार को एक प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ जनों सहित विशेष रूप से मीडिया कर्मियों के सहयोग से पहली बार गुना जिले में ऐतिहासिक विजय हुई है। खासकर गुना विधानसभा से रिकॉर्ड तोड़ मत प्राप्त हुए भाजपा के जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवान ने सभी मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किसानों और आम जनता से झूठे वादे किए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारी कार्यकर्ताओं की दम पर चुनाव लड़ा, इसलिए गुना के कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज थे। श्री सिकरवान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव जीतने के लिए संगठनात्मक तरीके से लड़ रही थी। सभी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं और विकास कार्यों को बताकर उनकी सुनामी की लहर बनाई। इस तरह भारतीय जनता पार्टी गुना सीट पर ऐतिहासिक जीत हुई। देखते रहिए UBN08। ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। सब पे पूरे कार्यकर्ताओं को विश्वास था, आम मतदाताओं को विश्वास था। तो आज कोई कमजोर आके आपने जो स्वाजाते प्रत्याशी, उन्हीं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया 1.25 लाख मतों से। मेरे बारे में भी लोग कहते थे कि मैं कमजोर हूँ या ये। वर्तमान में मैं एकमात्र ऐसा जिला अध्यक्ष हूँ, हमारे 2-3 पूर्व जिला अध्यक्ष बैठे इस समय साथ में, मेरे विधायक जी भी जिला अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष जी भी रहे, हरि सिंह जी भी रहे, सर इन सभी की टीम में सर्वाधिक पोस्ट पर रहने वाला मैं हूँ। लेकिन जो लोग कहते थे ना, जो लोग कहते थे उनको जवाब है, भारतीय जनता पार्टी को उसने मना नहीं किया कि राधव और चंदोड़ा क्यों हारे, इतनी करारी है। जबकि चारों तरफ मैजिक, मोदी मैजिक चल रहा था। तो दोस्तों हमने प्रयास किया, 4 महीने में जो कमियां थी पूरी की समझ में आई। राहुल हारते आ रहे हैं, लोकसभा जीतते आ रहे हैं, तो ये कमियां कब तक दूर कर पाते हैं, विधानसभा में क्यों नहीं कर पाते। अब वो तो कमी तो होती है, आज जैसे आज हुए कमी, उस पर आगे प्रयास और करेंगे विधानसभा के लिए। अच्छा, एक तरफ कहा जा रहा था कि मोदी की सुनामी है और अभी ये कह रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा, तो दोनों में से कौन सी बात सही है? दोनों सही है। मोदी जी की सुनामी कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर फैलाई स्थानीय स्तर पर। मोदी जी की सुनामी वहाँ सुनामी थी, कार्यकर्ता प्रयास में रहे, सहयोग में। अभी जैसे आपने बताया कि पूरा होता सब कार्यकर्ताओं के द्वारा संभव हो सका। मोदी जी की जो मुख्य योजनाएं थी, प्रधानमंत्री आवास, जिन लोगों को आवास मिल गए वो कह रहे थे कि इसको पूरा जमी कर हो पाएगा कि मोदी जी आ जाएंगे। जिन लोगों को नहीं मिला उनको उम्मीद भाजपा ने ये जमाई कि आपको मोदी जी आ जाएंगे तो आपको आवास मिलेगा। 2022 तक सभी लोगों को आवास मिलेगा, कि आम लोगों में भावना थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 4 महीना की जो सरकार थी उसमें उन्होंने कहा 21 लाख लोगों के कर्जे माफ कर दिए। मैं समझता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में एक भी बैंक ने कोई नोटिस नहीं दिया। जब एक आपने कर्जा माफी कर दिया है, किसी दिन एक दिन तो नोटिस देना थी आपको, चुनाव के बाद देना थी। जनता ने ये समझ लिया कि ये हमको चुनाव के द्वारा गुमराह कर रहा है।